नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। बहराइच के जरवल में नगर पंचायत खाटी नाला के पास क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बहराइच में रिसिया के सिखनपुरवा गांव में पहुंचे शहीद जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थनगर के इटवा में बसपा पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बीएसपी समर्थक मौजूद रहे। सीतापुर जेल से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान 2 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च शाहबाद गेट, हाथीखाना और बाजार में किया गया। बरेली में अपर पुलिस महानिदेशक ने रिजर्व पुलिस लाइन में सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। रामपुर में सभी उप जिलाधिकारियों ने जिले के क्रिटिकल और वनरेबल बूथों पर पहुंचकर बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। रामपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने फेसबुक लाइव के जरिए आम जनता से बात की। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। बिल्लौर के विधानसभा में सपा की महिला नेता रचना सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी गलत बयानी कर रही है। लखीमपुर में कोतवाली निघासन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से काफी सामान भी बरामद किया है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।